नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काजू पनीर बनाएंगे। आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक प्याज, जिसको मैंने बड़े बड़े कट किए हैं, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये बॉईल हो गया है। एक पैन लेंगे और उसमें कम से कम 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब इसमें हल्का सा ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तलने वक्त आप थोड़ा कवर कर दीजिए, हाफ कवर करिएगा, जिससे कि आपको तेल ना लगे। सारे तल गए हैं, काफ़ी तलना नहीं है। अब निकाल लें उसी तेल में मीडियम फ्लेम पे। 10 से 15 काजू को रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब काजू हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, 1/2 इंच दालचीनी डालेंगे, 8-10 गोल मिर्च डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे। इसमें 1 लहसुन और अदरक ग्रेट किया हुआ डालेंगे। थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल देंगे। कलरफुल करने के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 1 प्याज डालेंगे, उसको बारीक कट कर लेंगे। 1 छोटा सा टमाटर कटा हुआ डालेंगे और 1 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें जो मैंने बॉईल किए थे प्याज, उसका पेस्ट बना करके डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पनीर का मसाला डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे भून लेंगे। मसाला भून गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बॉईल आने पर आप इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून काजू पेस्ट डाल दें। काजू को मैंने पानी में भिंगा के रखा है, उसके बाद पेस्ट बनाया है। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब इसमें काजू और पनीर डाल देंगे भुना हुआ। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे। ढक करके इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लेंगे, उसको हाथ से रब कर लेंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे डाल देंगे और मिक्स करके गैस ऑफ कर देंगे। इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और जो तेज पत्ता मैंने डाला है उसको सर्विंग के वक्त निकाल लेंगे। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और मिक्स करके अब इसे सर्व करेंगे। एक पनीर का टुकड़ा रख लेंगे और उसे ग्रेट कर लेंगे। तो यह था काजू पनीर बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।